क्वेश्चन में बोला है इफ वन मोल ऑफ ए रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ बी टू, ए भी आपको मिलेगा और डेल्टा एच माइनस 100 किलो कैलोरी है, लिबरेट हुआ है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फॉर एवरी वन मोल ऑफ ए रिएक्टिंग वाया दिस प्रोसेस 100 किलो कैलोरी इज लिबरेटेड और डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 100। अगर वही ए वन मोल ऑफ ए वही वन मोल ऑफ ए इस वाले रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करेगा तो 200 किलो कैलोरी इवॉल्व होता है। क्वेश्चन बोल रहे हैं वन मोल ऑफ ए लिया गया है, सम पार्ट इज रिएक्टिंग बाय दिस प्रोसेस एंड सम पार्ट ऑफ ए इज रिएक्टिंग बाय दिस प्रोसेस, टोटल डेल्टा एच 140 किलो कैलोरी लिबरेट हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं यहां से कितना रिएक्ट किया, यहां से कितना रिएक्ट किया, वन मोल टोटल लिया है। तो हम लोग बोलेंगे इसके थ्रू लेट से एक्स मोल रिएक्ट किया, इसके थ्रू एक्स मोल रिएक्ट किया, तो इसके थ्रू वन माइनस एक्स करेगा, टोटल मोल वन था। तो देखो पर वन मोल ऑफ ए हम लोग को 100 किलो कैलोरी मिलता था, तो एक्स मोल के लिए कितना मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हीट लिबरेटेड इक्वल्स वन मोल के लिए 100, तो एक्स मोल के लिए एक्स इंटू 100 प्लस वन मोल के लिए 200, तो वन माइनस एक्स के लिए इंटू 200। दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला है सॉरी दिस इज इक्वल टू 140। हम लोग सॉल्व करेंगे इंप्लाइज दैट 100x प्लस 200 माइनस 200x इज इक्वल टू 140। इसको सॉल्व कीजिए x आएगा 0.6 मोल, इसको सॉल्व करेंगे x आपका 0.6 है, तो x इक्वल टू 0.6 है, तो यहां कितना हो गया 0.6 और यहां हो गया 0.4। क्वेश्चन पूछ रहा है B2 कितना कंज्यूम होगा, तो देखो यहां पर B2 कितना कंज्यूम होगा, यहां पर B2 होगा माइनस 0.6 इंटू हाफ बाय 1, यहां पर होगा माइनस 0.4 इंटू 2 बाय 1, सो B2 कंज्यूम टोटल कितना है, यहां से आएगा 0.3 मोल और यहां से आ रहा है 0.8 मोल, सो दिस इज 1.1 मोल, ठीक है। तो 1.1 मोल ऑफ B2 कंज्यूम हुआ है, और बोला है आंसर क्या बताना है आपको, B2 जितना कंज्यूम हुआ है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना है 1.1 इंटू 1000, तो 1100 का है, ठीक है।